रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेकर इतिहास रच दिया। सरकार को बने एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन इस बार मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए सरकार कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। पीएम मोदी के साथ शपथ लेने वाले सभी 72 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है और सभी ने पदभार भी संभाल लिया है। लेकिन अब मोदी सरकार में मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। जेडीएस नेता और केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी पद संभालते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या भारत को अमेरिका स्थित सेमीकंडक्टर निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी जैसे निवेशकों की जरूरत है। एचडी कुमारस्वामी का जैसे ही ये बयान सामने आया, सियासत गर्म हो गई। शुक्रवार को बयान दिया और शनिवार आते आते मंत्री एचडी कुमारस्वामी को सफाई देनी पड़ी। सेमीकंडक्टर पर दिए अपने बयान को लेकर उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र को भारत में लाना रणनीतिक है, हमें इसकी आवश्यकता है। साथ ही हमें दूसरी पंक्ति के क्षेत्र, हमारे लघु उद्योग के लिए नौकरियां पैदा करनी होंगी। हम इस बारे में सोच रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। Actually, bringing semiconductor sector in a big way, because that is strategic point. Actually, we required it, most essential that is. But parallelly, we have to create a job for the second line sector, SME, our small scale industries. There we get for ITI some skilled labor. Yes, we will get more number of jobs. For that, actually, we are thinking, we are working out. That is the issue. So I raised. So you're saying that you have been misquoted on Gujarat? Misquoted, definitely. That is misquoted. I have not told anything. I have not referred any state also. Why they have taken like this? Really, I am surprised. As far as investments, I have to. Then I have to, in future days, I have to be very cautious. As far as investments are. दरअसल कुमारस्वामी मोदी सरकार 3.0 में मंत्री बनने के बाद शुक्रवार को बेंगलुरु लौटे थे। यहाँ उन्होंने कहा, नई निर्माण यूनिट से करीब 5,000 नौकरियां पैदा होंगी। इसके लिए हम उन्हें $2 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं। अगर आप जनगणना करें तो ये कंपनी के कुल निवेश का 70% है। इतना बड़ा बजट देना कितना सही है। दूसरी तरफ छोटे उद्योग हैं। उदाहरण के लिए पिनिया में छोटे उद्योग हैं, उन्होंने कितनी लाखों नौकरियां पैदा की हैं, हमने उन्हें क्या फायदे दिए हैं। मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि देश के धन की रक्षा कैसे करूं। जिस अमेरिकी कंडक्टर पर एचडी कुमारस्वामी ने सवाल उठाए, वो कंपनी फिलहाल गुजरात में $2.5 अरब की यूनिट स्थापित कर रही है। इतना ही नहीं, हर नौकरी के लिए 3.2 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी प्राप्त कर रही है। बहरहाल पहली बार मोदी कैबिनेट में मंत्री बने एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एचडी कुमारस्वामी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। जेडीएस इस बार 2 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।